अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम बात करेंगे आज दो वर्ड्स की जो आपने सुने होंगे, एक स्ट्रेस का और एक ग्रोथ का। बज़ाहिर इनमें कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता, लेकिन हम थोड़ा सा इसकी डेप्थ में जाएंगे कि स्ट्रेस में और ग्रोथ में आपस का जो कोरिलेशन है वो क्या है। देखिए, हमारे सामने जो भी इवेंट हो रहा होता है, हमारे सामने जो आउटर वर्ल्ड है उसके उसमें जो भी कुछ चल रहा होता है, इट्स नॉट दैट इवेंट जो कि हमें अफेक्ट कर रहा होता है। हमें जो चीज़ असरअंदाज कर रही होती है वो एक्चुअली उस इवेंट के बारे में हमारा अपना थॉट प्रोसेस होता है, हमारा अपना थिंकिंग प्रोसेस होता है। यानी अगर दूसरे अल्फाज में मैं इस तरह से बात करूँ कि वो जो आउटर इवेंट है उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंग हम लोग खुद दे रहे होते हैं। और हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, अगर आप नोटिस करें तो हम कभी भी किसी इवेंट को इटसेल्फ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते। यानी कोई भी इवेंट हुआ, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उस इवेंट का अच्छा या बुरा होना किस बात पे डिपेंड करता है कि उसके बारे में हमारा थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। तो बेसिकली हम जिस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो हमारा थॉट प्रोसेस होता है। तो स्ट्रेस और ग्रोथ में आपस का जो ताल्लुक है वो क्या है, वो इस तरह से है कि कोई भी आउटर इवेंट अगर आपके सामने, चल मैं इसके लिए एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि आपके सामने अगर कोई चैलेंज आया, ठीक है, और अगर वो चैलेंज आपको ये लग रहा है, आपके माइंडसेट में ये बना हुआ है कि वो जो चैलेंज है वो छोटा है और आपके पास उसको सॉल्व करने के जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा हैं, यानी चैलेंज छोटा रिसोर्सेज बड़े, देन इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। यानी ये एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि चैलेंज छोटा है रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो जब आपके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और चैलेंज छोटा है तो आपके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। लेट से आप कोई लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं, आप किसी जगह एडमिशन लेना चाहते हैं, आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उस ट्रैवलिंग में आपके पास एक चैलेंज आया, चैलेंज छोटा है और आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसको सॉल्व करने के वो ज़्यादा हैं, तो ये आपके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। स्ट्रेस इसके अपोजिट होता है। स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस में हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि आपको ये लग रहा होता है, आपका माइंड सेट ऐसे चल रहा होता है कि चैलेंज बड़ा है और चैलेंज को सॉल्व करने के लिए जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो कम है। तो ये एक कोरिलेशन है स्ट्रेस का और ग्रोथ का, कि जब आपको ये लग रहा हो चैलेंज बड़ा है रिसोर्सेज कम है तो फिर क्या है, स्ट्रेस की सिचुएशन है, और जब आपको ये लग रहा हो कि चैलेंज छोटा है रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो फिर ये ग्रोथ की सिचुएशन है। लेकिन ये वाली जो बात है कि रिसोर्सेज ज़्यादा हैं या चैलेंज बड़ा है या चैलेंज छोटा है या रिसोर्सेज कम है, ये दोनों चीज़ें आपके माइंडसेट से तय होती हैं। यानी ये दोनों चीज़ें आउटर वर्ल्ड में नहीं होती, ये हमारा माइंडसेट होता है जो तय कर रहा होता है, ये हमारा थिंकिंग प्रोसेस होता है जो कि तय कर रहा होता है कि रिसोर्सेज पे फोकस करना है या चैलेंज पे फोकस करना है। तो अगर आप ज़्यादा फोकस चैलेंज और चैलेंज के कॉन्सिक्वेंसेज और चैलेंज की प्रॉब्लम्स के ऊपर कर रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में कन्वर्ट होता जाएगा। लेकिन अगर आपका ज़्यादा फोकस रिसोर्सेज और रिसोर्सेज की मैनेजमेंट और रिसोर्सफुलनेस पे होगा तो वो खुद बहुत वो जो चैलेंज है वो आपके लिए एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बनता जाएगा। तो दिस वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड ग्रोथ। तो स्ट्रेस के हवाले से हम और वीडियोस में बात करेंगे। अगर आपका पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन हो स्ट्रेस के हवाले से, स्ट्रेस की किसी टेक्निक के हवाले से, सो यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट्स। सो नेक्स्ट किसी वीडियो में हम दोबारा स्ट्रेस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।